तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सुयांग अपने सभी डिसाइपल्स को बताता है कि वह माउंटेन एंड सी रैलम में जा रहा है। तब तक उसके सभी डिसाइपल्स यहाँ पर कल्टीवेशन करें, क्योंकि जब वह वहाँ से वापस लौटेगा तब वह सभी लोगों को अपने साथ लेकर एक मिशन पर जाएगा। अब हमें दिखाया जाता है कि सुयांग सांगनिंग और डीमन एम्परर को अपने साथ लेकर माउंटेन एंड सी इमॉर्टल रैलम में आ चुका होता है। वहीं पर डीमन एम्परर काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है और बोल रहा होता है कि क्या मुझे यहाँ पर फाइट करने के लिए कोई पावरफुल अपोनेंट मिलेगा, जिसके साथ फाइट करने के बाद मेरी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। तभी अचानक से कई सारे लोग उनके सामने आ जाते हैं, जिन्हें देखते ही डीमन एम्परर उन सभी लोगों पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी वह सभी लोग डीमन एम्परर को इग्नोर करके सांगनिंग और सुयांग के पास आते हुए बोलते हैं, आखिर तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी से चलो वरना तुम लेट हो जाओगे। सांगनिंग बोलती है आखिर कहाँ पर चलना है। तभी एक पर्सन उसे बताता है कि क्विन यून सेक्ट एक पार्टी दे रहा है, क्योंकि इस जगह पर मौजूद एक ईवल सेक्ट सांघाई को कुछ ही टाइम पहले उन्होंने डिस्ट्रॉय किया है, इसीलिए यहाँ के सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश और उन्होंने एक पार्टी को ऑर्गेनाइज किया है जिसमें इंसान जो चाहे वह फ्री में खा सकता है। अब यह सब सुनकर सांगनिंग सोचने लगती है यहाँ के लोगों की पर्सनैलिटी काफी ज्यादा अजीब है, तो क्या हमें इन लोगों के साथ जाकर इन सभी चीजों के बारे में और भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए। दूसरी ओर वह सभी लोग बता रहे होते हैं कि उस पार्टी में उन्हें खाने और पीने के लिए क्या क्या मिलेगा, जो सुनते ही डीमन एम्परर के मुंह से पानी आने लगता है और अब वह सुयांग से बोलता है, मास्टर हमें इस पार्टी में जरूर चलना चाहिए। यह सुनकर सुयांग तैयार हो जाता है और अब वह सभी लोग एक टाउन में पहुंचते हैं। अब सुयांग देखता है कि टाउन में मौजूद हर एक पर्सन काफी ज्यादा खुश होता है और वह सभी लोग खुशी से बोल रहे होते हैं कि मोयून सेक्ट और आसपास मौजूद सभी ईवल सेक्ट डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। वह लोग बहुत ही ज्यादा ईवल थे और निर्दोष लोगों को स्लेव बनाकर अपने पास रखा करते थे और उनसे काम करवाया करते थे, पर अब उन लोगों से सभी को छुटकारा मिल गया है। यह सब देखकर सांगनिंग और डीमन एम्परर को काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है। तभी वह सभी लोग बीच मार्केट में एक लड़की को म्यूजिक प्ले करते हुए सुनते हैं, जो काफी गंदा म्यूजिक प्ले कर रही होती है और उसके आसपास मौजूद सभी लोग अपना कान बंद करके चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं, आखिर तुम यहाँ पर मौजूद सभी लोगों का मूड क्यों खराब कर रही हो, तुम्हारा गाना सुनकर हमारे सर में दर्द हो रहा है। और अब एक पर्सन गुस्से में उस लड़की को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी वह उस लड़की को देखकर रुक जाता है और अब वह लड़की खड़ी होते हुए उसे बताती है कि उसने 2 सालों तक मेहनत की और म्यूजिक को सीखा, पर एक दिन सी डीमन सेक्ट के लोगों ने उसे किडनैप कर लिया और उसकी आंखें फोड़ दी और उसका एक पैर भी काट दिया। अब उस लड़की की कहानी को सुनकर आसपास खड़े सभी लोग भावुक हो जाते हैं और उन सभी की आंखों में आंसू होते हैं और अब वह सभी लोग अपने पास से निकालकर काफी कीमती ट्रेजर उस लड़की को देने लगते हैं। वहीं पर सांगनिंग भी उस लड़की की कहानी को सुनकर रो रही होती है और अब वह अपने पास से एक बहुत ही ज्यादा कीमती जेड निकालकर उस लड़की को देने के लिए आगे बढ़ती है। वहीं पर डीमन एम्परर बोल रहा होता है, मैंने हजारों साल पहले कई सारे पावरफुल बीस्ट को खाया था जिनके जेड अभी भी मेरे पेट में मौजूद है, अगर मैं चाहूँ तो उन्हें अपने पेट से उगल सकता हूँ, पर मैं ऐसा करना नहीं चाहता। तभी सुयांग बोलता है, यह लड़की एक झूठी है, क्या तुम लोगों को यह दिखाई नहीं दे रहा है। यह सुनते ही वहां पर खड़ा एक पर्सन गुस्से में बोलता है, आखिर तुम्हारी ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे हुई, अभी उस लड़की से माफी मांगो वरना हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और अब वह लड़की सुयांग की ओर देखती है, तभी सुयांग अपनी एनर्जी को रिलीज करता है जिससे उस लड़की की बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है और आसपास खड़े सभी लोग दूर जाकर गिरते हैं। और अब हमें पता चलता है कि वह कोई लड़की नहीं बल्कि एक डॉल होती है जिसे कोई अपने स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए कंट्रोल कर रहा होता है और उस लड़की ने आसपास मौजूद सभी लोगों को अपनी म्यूजिक का यूज करते हुए सम्मोहित कर लिया होता है, जिस वजह से सभी लोग भावुक होकर उसे अपनी कीमती चीजें दे रहे होते हैं। पर उस लड़की के डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद सभी लोग होश में आ चुके होते हैं और अब सभी अपने अपने ट्रेजर्स को वापस लेने के लिए भागते हैं। अब हमें एक जगह पर एक लड़की को दिखाया जाता है और यही लड़की उस पपेट गर्ल को कंट्रोल कर रही थी और उसका पपेट डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद उसे वहां पर एक झटका लगा होता है, जिस वजह से वह लड़खड़ाकर नीचे बैठ जाती है। तभी एक दूसरी लड़की उसके पास आते हुए उस लड़की को बताती है कि पार्टी यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है और काफी ज्यादा पावरफुल इमॉर्टल्स इस पार्टी को अटेंड करने के लिए आए हैं। अब हमें उस पार्टी को दिखाया जाता है जहाँ पर कई सारे इमॉर्टल्स एक साथ बैठकर
इवल सेक्ट्स की बुराई कर रहे होते हैं। वहीं पर वह सभी लोग लगातार क्वेंसुआंग सेक्ट की तारीफ किए चले जा रहे होते हैं जिन्होंने इस पार्टी को ऑर्गेनाइज किया होता है। वहीं पर एक जगह से बैठा सुयांग सांगनिंग और डीमन एम्परर के साथ यह सब कुछ देख रहा होता है। और अब सांगनिंग बोलने लगती है कि यह जगह सच में बहुत ही ज्यादा अजीब है, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तभी सुयांग उसे बताता है कि यहाँ पर चारों ओर एक अजीब से स्पेल को कास्ट किया गया है, जिस वजह से यहाँ पर चारों ओर मौजूद इमॉर्टल्स क्वेंसुआंग सेक्ट की तारीफ कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने जानबूझकर इन सभी लोगों को यहाँ पर इकट्ठा किया है। डीमन एम्परर बोलता है, मैंने तो आज तक कभी भी किसी ऐसे स्पेल के बारे में नहीं सुना। सुयांग उसे बताता है कि चोर और ठग लोगों को लूटने के लिए इस तरह के स्पेल का यूज करते हैं। डीमन एम्परर बोलता है, तो क्या इस तरह के स्पेल को इतने लार्ज स्केल में कास्ट किया जा सकता है? क्योंकि हम लोग जब से यहाँ पर आए हैं और हम जितने भी लोगों से मिले हैं सभी लोग इस तरह के स्पेल के अंडर में हैं। सुयांग बोलता है, हाँ यही तो मुझे भी काफी ज्यादा अजीब लग रहा है, जिसने भी इस स्पेल का यूज किया है वह काफी ज्यादा पावरफुल होगा। तभी वह लड़की उस जगह पर आती है और अब उस लड़की को देखते ही सभी लोग अपने टेबल से खड़े हो जाते हैं और उस लड़की की ओर आगे भागते हैं। और अब सुयांग देखता है कि यही वह लड़की होती है जिसने इस स्पेल को कास्ट किया होता है। वहीं पर वह लड़की सभी के ऊपर अपने चार्म स्पेल का यूज करते हुए उन लोगों को अपने बातों में फंसा रही होती है। और अब वह बोलती है कि फाइट के बाद माउंटेन एंड सी इमॉर्टल रैलम पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया है और उनका सेक्ट माउंटेन एंड इमॉर्टल रैलम को दोबारा से पावरफुल बनाना चाहते हैं, पर इसके लिए उन्हें काफी ज्यादा मात्रा में ट्रेजर्स की जरूरत पड़ेगी जो कि अभी उनके पास नहीं है। अब यह सुनते ही वहां पर मौजूद सभी लोग अपने पास मौजूद कीमती ट्रेजर्स को बाहर निकालकर उस लड़की को देने लगते हैं और अब वह लड़की एक स्पेस रिंग के अंदर उन सभी ट्रेजर्स को कलेक्ट करने लगती है। दूसरी ओर सांगनिंग के ऊपर भी उस स्पेल का असर हो चुका होता है और अब वह भी धीरे धीरे उस लड़की की ओर आगे बढ़ रही होती है। तभी सुयांग अपनी पावर का यूज करते हुए सांगनिंग को उस स्पेल से रिलीज करता है। तभी वह लड़की सुयांग की ओर देखते हुए बोलती है, यहाँ पर मौजूद सभी इमॉर्टल माउंटेन एंड सी रैलम को दोबारा से रीबिल्ड करने के लिए ट्रेजर डोनेट कर रहे हैं, पर तुमने अब तक मुझे कोई भी ट्रेजर नहीं दिया और तो और तुम अपनी जगह पर बैठे हुए चुपचाप खाना खाए चले जा रहे हो, कहीं तुम कोई इवल इमॉर्टल तो नहीं। अब यह सुनते ही वहां चारों ओर मौजूद सभी इमॉर्टल्स अपने अपने वेपन्स को बाहर निकालते हुए बोलने लगते हैं, यह एक इवल इमॉर्टल है। और अब वह सभी लोग एक साथ सुयांग पर अटैक कर देते हैं। तभी सुयांग अपनी एनर्जी को रिलीज करता है जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और अब सभी इमॉर्टल्स दूर जाकर गिरते हैं। वहीं पर वह लड़की भी सुयांग से काफी ज्यादा दूर जाकर गिरती है। तभी सुयांग उसके हाथ में मौजूद स्पेस रिंग अपने पास ले लेता है और बोलता है, तो तुम्हें मुझसे पैसे चाहिए, ऐसा कभी नहीं होगा। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।